हालेलुया 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 यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, यीशु जो सारे अनुग्रहों का बहता झरना है, आज हम उस यीशु के पास आए हैं। हम अपनी शारीरिक, मानसिक सारी अवस्थाओं को प्रभु को समर्पित करें, ताकि कोई भी भटकाने वाली या बहकाने वाली बातें, वस्तु हमें प्रभु से दूर न कर सके। हम यह समय प्रभु के साथ और प्रभु के लिए बिताना चाहते हैं। प्यारे भाई और बहनों, संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 5 वचन संख्या 7 में लिखा है, आप अपनी सारी चिंताएं उस पर छोड़ दे, आमीन, क्योंकि वह आपकी सुधि लेता है। यस लॉर्ड, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, इतने प्यारे आश्वासन के लिए जो आप हमने देते हैं और कहते हैं, सारी चिंताओं को मुझ पर छोड़ दो क्योंकि मैं तुम्हारी सुधि लूंगा। जी हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, हम लोग आज की परेशानी को लेकर हद से ज्यादा चिंता करते हैं, जैसा कि राजा दाऊद ने, कि उन्हें यह डर सता रहा था कि उन्हें मार डाला जाएगा, किंतु दाऊद ने अपना भरोसा परमेश्वर से उठने नहीं दिया। वह परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाया ताकि परमेश्वर उसे सामर्थ्य दे, शक्ति दे कि वह उस परेशानी से बाहर निकल सके। हम राजा दाऊद के जीवन से यह सीखते हैं कि हम परेशानियों को अपने जीवन पर हावी ना होने दें, किंतु जब परेशानियां या चिंताएं हमारे जीवन में आए तो हम उसे लेकर प्रभु के पास आए, क्योंकि प्रभु हमारी सुधि लेगा, प्रभु हमें संभालेगा। फिलिपियों के नाम संत पौलुस के पत्र अध्याय 4 वचन संख्या 6 में लिखा है, किसी बात की चिंता ना करें, हर जरूरत में प्रार्थना करें और विनय तथा धन्यवाद के साथ ईश्वर के सामने अपने निवेदन प्रस्तुत करें। हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, वचन हमसे कहता है चिंता ना करते हुए ईश्वर पर हम भरोसा रखें। आज के व्यस्ततम जीवन में जब भी हम किसी से मिलते हैं, हम पाते हैं कि वे किसी न किसी चिंता में लिपटे हुए हैं, उसमें लिप्त हैं। मनुष्य की बहुत सारी चिंताएं वास्तविक नहीं होती है, फिर भी मनुष्य उसे सोच सोच कर उसके बारे में चिंता करता है। एक छोटी सी घटना मैं आपको बताना चाहूंगी। एक बार एक कुएं के पास बहुत सी महिलाएं इकट्ठी थी और वे जोर जोर से विलाप कर रही थी, जोर जोर से रो रही थी। तभी वहां पर एक समझदार व्यक्ति आता है और वह यह जानना चाहता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि वे महिलाएं इतनी जोर जोर से रो रही हैं। वह व्यक्ति एक महिला से पूछता है कि बहन, ऐसा क्या हुआ कि आप लोग इतनी जोर जोर से रो रही हैं। वह महिला दूसरी महिला की तरफ उंगली करके बताती है कि ये रो रही थी। वह व्यक्ति उस महिला से वही प्रश्न पूछता है कि आप क्यों रो रही थी। यह प्रश्न पूछते पूछते वह व्यक्ति उस पहली महिला के पास आता है जो उस कुएं पर आई थी। वह व्यक्ति उस महिला से पूछता है, बहन, तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ जो तुम इतना करुण रुदन कर रही हो। उस महिला ने कहना शुरू किया, शीघ्र ही मेरा विवाह होने वाला है। कल जब मेरा विवाह हो जाएगा तब मेरा एक पुत्र होगा। वह चंचल होगा और वह उछलता कूदता हुआ इस कुएं के पास आएगा, और जब वह उस कुएं में गिर जाएगा तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मुझे तो तैरना आता ही नहीं है। तो यह सोचकर मैं रोने लगी। जी हाँ प्यारे विश्वासी भाइयों और बहनों, हमारी भी बहुत सारी चिंताएं बिना आधार की होती हैं, जो अभी हुआ ही नहीं है।
हम उसके बारे में सोचकर चिंता करते हैं, रोते रहते हैं। वचन हमसे कहता है किसी बात की चिंता मत करो। हम चिंता करके केवल अपने दुख को बढ़ाते हैं। जब हमें चिंताएं होती हैं तो हमें उसे ईश्वर के पास लेकर आना चाहिए, क्योंकि प्रभु हमें उन चिंताओं से निकालेगा, उससे छुटकारा दिलाएगा, हमें उबारेगा। आइए प्यारे भाइयों और बहनों, आज प्रभु ने हमें बुलाया है कि यदि तुम्हारी कोई चिंता है, तुम्हारा दिल बेचैन है, तुम शांति नहीं पा रहे हो, तो मेरे पास आओ, मैं तुम्हें उन सब बातों से आजाद करूंगा, मैं तुम्हें छुटकारा दिलाऊंगा। तो क्या हम तैयार हैं इन सब बंधनों से छुटकारा पाने के लिए? जी हाँ भाई और बहनों, आइए मिलकर हमारे साथ प्रभु की स्तुति और आराधना में रम जाएं, ताकि हम इन सारे बंधनों से छुटकारा पाए। खुशी के साथ हम इस गीत को गाते हुए प्रभु की स्तुति करें। प्यार देने वाला यीशु, उद्धार देने वाला यीशु, हम में से हर एक को अपने पास बुला रहा है। चलिए खुशी के साथ हम उसके पास चले। नाम जो हमें सब कुछ देता है। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 146 वचन संख्या 8 में लिखा है, प्रभु अंधों को दृष्टि प्रदान करता है, प्रभु झुके हुओं को सीधा करता है। यीशु मसीह ने अंधों को आंखें दी। अंधे सड़क के किनारे बैठकर कहते थे, यीशु दाऊद के पुत्र, हम पर दया कीजिए। यीशु उनसे कहते थे, तुम क्या चाहते हो, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? वे अंधे कहते थे, हम फिर से देखने लगे। यीशु कहते हैं, जाओ, मैं चाहता हूं कि तुम फिर से देखने लगो। तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया है। यदि हम आज अंधेपन की अवस्था में हैं, हमें कोई मार्ग दिखाई नहीं दे रहा है, हमें कोई परेशानी बहुत जोरों से सता रही है, हम बोझ से दबे हुए हैं, हम कर्ज में डूबे हुए हैं, प्रभु मुझसे कहता है, प्रभु आपसे कहता है, प्रभु हम सब से कहता है, पुकारो, मैं तुम्हें बोझ से, कर्ज से मुक्ति दिलाऊंगा, छुटकारा दिलाऊंगा, मैं तुम्हारे उस अंधेपन को दूर करूंगा। यहाँ केवल शारीरिक अंधेपन की बात नहीं हो रही है, बल्कि आत्मिक अंधेपन को प्रभु दूर करने की बात कह रहे हैं। आइए प्रभु हमें आत्मिक आँखों से वरदान देना चाहते हैं, अनुग्रह देना चाहते हैं, ताकि हम प्रभु की भलाई को जान सके, प्रभु की भलाई को देख सके। आइए हम गाते हुए प्रभु की स्तुति करें। दृष्टि मिलती है, लाचार शांति पाते, बंधन में जो झगड़े हैं वो मुक्ति पाते। सारे बंधनों को लेकर हम प्रभु के पास आए, प्रभु हमें छुटकारा देंगे,
प्यार से प्रभु हमें बुलाता है, आइए मिलकर उसके पास चलें। अंधों को दृष्टि मिलती है, लाचार शांति पाते, बंधन में जो जकड़े हैं वो मुक्ति पाते। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से पुकारे हम, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु आज बहुत सारे लोग झुके हुए हैं, दबे हुए कर्ज में डूबे हुए हैं, प्रभु झुके हुओं को सीधा करता है। हमारा परमेश्वर सीधा करने वाला परमेश्वर है, सामर्थ्य देने वाला परमेश्वर है। आइए प्रभु आज हमें उबारना चाहते हैं, हमें प्रभु के पास आने की आवश्यकता है। हम इस बनावटी संसार की तरह ना बने किंतु प्रभु की ओर मुड़े। आइए मिलकर हम प्रभु की स्तुति करें, प्रभु की आराधना करें। हालेलुया 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 मेरे परिवार को इससे मुक्त करने के लिए, मेरे माता पिता को, मेरे दोस्तों को, हमारे समाज में प्रभु आपके अनुग्रह और आशीष के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु कितना शक्तिशाली है आपका नाम, कितना सामर्थ्यवान है आपका नाम, भारत है प्यारा प्रभु आपका नाम। धन्यवाद यीशु, प्रेज़ यीशु, थैंक यू यीशु, यीशु यीशु कितना महान है यीशु का नाम, कितना सुकून, कितना आराम देता है यीशु का नाम। और जुड़ने के बाद